एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी बाय टू बाइसेक्टर। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने जो है आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, सही। इसी तरह से बी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8, ठीक है। दो पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि इससे एक लाइन बनती है। तो ये एक लाइन है, एक ये लाइन बनती है और जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जिस लाइन की इक्वेशन है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये लाइन जो है ये रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन की, सही। इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा हमें स्लोप चाहिए होती है, ठीक, क्योंकि वो इक्वेशन थी एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, सही। अब यहाँ पर एक्स वन क्या है, वाई वन क्या है और स्लोप क्या है इस पॉइंट इस लाइन की, वो तो हमें कुछ करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ए पॉइंट जीवन है और बी पॉइंट जीवन है जो कि उस लाइन में भी लगाने कर रहे हैं, तो हम इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लेंगे जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, इसमें हम कौन सा पॉइंट लेंगे? ये पॉइंट ले सकते हैं, अगर हम ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें, कौन सा पॉइंट लें इसमें से? अगर ये पॉइंट लें तो ये तो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट लें तो ये इजीली हो जाएगा हमारे लिए, वो कैसे बना? क्योंकि ये पॉइंट जो है इसने कहा है ना कि ये लाइन जो है वो ए बी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, मतलब कि मिड पॉइंट में लाई करती है, सही। ये मिड पॉइंट बनता है ए बी लाइन का, ठीक, ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही। और ए और बी तो हमें पता ही है, तो हम उससे मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट को यूज करते हुए मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हम पहले एक्सरसाइज 4.1 में हमने पढ़ा था, उसके थ्रू हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट। और दूसरा स्लोप हम कैसे निकालेंगे? चलिए पहले पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट, अब ये पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं, सही। तो एम पॉइंट किस तरह आएगा? फॉर पॉइंट, फॉर एम पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट हमें निकालना, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम करते थे 3 + 9 और 2 पर डिवाइड करते थे, इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स को सम करते थे 5 + 6 और 2 पर डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास मिड पॉइंट बन जाता था जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो 3 + 9 जो है वो 12 / 2 और 5 + 8 जो है 13 / 2, सही। मतलब कि ये 2 6 से 12 बन जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा, ऑप्शन डिवाइड करते थे 6 और 13/2, ये पॉइंट बनता है एम पॉइंट, ठीक है। वो ये पॉइंट एम जो है वो इस लाइन के ऊपर भी लाई जा रहा है, इस लाइन के ऊपर भी लाई जा रहा है, तो मतलब कि हमें तो ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, तो एम पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, यानी कि हम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है? ये बन गई मतलब एक्स वन की वैल्यू और ये बन गई वाई वन की वैल्यू, सही। एक्स वन और वाई वन तो आ गया, उसके अलावा एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं वो तो हमें फाइंड नहीं करना है, बल्कि हमें एम फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप, स्लोप इस लाइन की कैसे आएगी? देखें, हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसको एक तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, बाइसेक्ट का ये मतलब हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर मतलब आपस में 90 डिग्री में आ रही है, परपेंडिकुलर, सही। तो परपेंडिकुलर लाइन
आपस में जब वो परपेंडिकुलर होती है उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है। तो इस लाइन के स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी लाइन की स्लोप, ठीक है, ए बी लाइन की स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए पॉइंट भी पता है, बी पॉइंट पता है, दो पॉइंट्स जब हमें गिवन होता है हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ए और बी पॉइंट की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या बनती है, ए पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या था 3.5 और बी पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या था 9.8। इसमें से ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, और इसको हम पुट करते हैं सो फार्मूला में, 8 - 5 / 9 - 3 सही। तो 8 - 5 = 3 आ जाएगा, 9 - 3 = 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 बन गया। मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है, ए बी की स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 1/2। तो ये तो ए बी की स्लोप है, हमें तो इस लाइन की चाहिए, इसको इसको हम सीधी कह देते हैं सीधी लाइन, ठीक है, हमें तो इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो ये लाइन जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के, तो मतलब कि इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बराबर होना चाहिए माइनस वन के, प्रोडक्ट वाली वो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी जो हमने स्लोप्स की पढ़ी थी, ठीक है, वही हम यूज करेंगे। तो इसकी लाइन की स्लोप को हम क्या कह देते हैं, इस लाइन की स्लोप को हम एम वन कह देते हैं, स्लोप इज इक्वल टू एम वन, ठीक है, और दूसरी इस लाइन की स्लोप को हम एम टू कह देते हैं, एम टू सही। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू बराबर होना चाहिए माइनस वन के, ठीक है, एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू बराबर होना चाहिए माइनस वन के, एस बोथ लाइन आर पैरेलल, ठीक है, परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब M1 की वैल्यू, M1 किसकी स्लोप है, इसकी, वो तो हमें पता नहीं है, सही, इसको हम M1 ही रहने देते हैं, यहाँ पर M1 17 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है। और साथ में M2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, स्लोप ऑफ AB है M2, इक्वल टू M2 है, ठीक है, तो वो हम कोट कर देते हैं 1/2 की स्लोप, M2 की जगह इक्वल टू माइनस वन। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 एम वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड भी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन डिवाइडेड बाय 1/2 सही। अब एम वन इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1/2 को उल्टा कर 2/1, ठीक है, तो मतलब कि एम वन की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई और हम पॉइंट भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है हमारे पास y m into y minus y one x minus x one, ठीक है, x minus x one is equal to y minus y one, इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, m की वैल्यू माइनस टू आ चुकी है, ठीक है, उस लाइन की रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो x वेरिएबल है उसी तरह आ जाएगा माइनस एक्स वन, मिड पॉइंट का जो के उस लाइन की लाइन का रखा मिड पॉइंट, उसकी उसका x कोऑर्डिनेट जो है 6 है और y कोऑर्डिनेट 13/2 है, 6 और 13/2, ठीक है, वहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ यहाँ पर 6 आ जाएगा और इसमें 13/2 सही। अब इसको बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड के, इस टू को खत्म करने के लिए, लेकिन पहले एक काम करते हैं कि इस माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टू एक्स प्लस 12 बन जाएगा, ये 12 इज इक्वल टू y माइनस 13/2। अब इस टू को खत्म करने के लिए सब को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 2y माइनस 13 सही। अब इसको सब वैल्यूज को एक साथ लेंगे, अगर माइनस 4x प्लस 24 माइनस 2y प्लस
और दूसरा ये कि अगर इसको प्लस बनाना है तो इनको सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन से बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे, तो ये बन जाएगा फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस 37 इक्वल टू जीरो। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिंस ये हमें चाहिए थी और हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन गिवन था, हमें दो पॉइंट्स गिवन थे, ठीक, जो कि हमें कहा गया था कि उससे एक लाइन बनती है, ए बी लाइन, ये ए बी लाइन बनी, ठीक। उसमें अब हमें कहा था कि आपने ऐसी इस लाइन की इक्वेशन ही फाइंड करनी है, बल्कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस ए बी लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है क्या होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है, वो लाइन होती है जो कि इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करें और साथ में इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक तो क्या है कि बाइसेक्ट भी करें, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें और साथ में परपेंडिकुलर भी हो, सही, ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी सी जो है ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट पे लाई करती है, ए बी के मिड पॉइंट पे लाई करती है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, एक तो स्लोप ऑफ द लाइन और दूसरा कोई सा भी एक पॉइंट जो कि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो जिस लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है। तो हमें कोई और पॉइंट तो मिल नहीं रहा था, ठीक है, सही, बहुत से पॉइंट्स लाए करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम वो उसकी वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सक रहे थे, ठीक है, और बहुत मुश्किल काम है वो, बल्कि हम कर नहीं सक रहे थे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि एक ऐसा पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, और ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो तो हमें गिवन है, तो उसके थ्रू हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, फिर हमारे पास वो पॉइंट आ गया जो कि इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, ठीक है, जिस तरह भी ये नजर आ रहा है आपको कि इस लाइन के ऊपर भी ये लाई कर रहा है मिड पॉइंट, जिसको हमने एम करा दिया। तो ये हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड कर लिया जिसमें एक्स वन और वाई वन जो है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट तो फाइंड कर दिया, उसके साथ हमें स्लोप भी चाहिए होती है। स्लोप के लिए हमने क्या किया कि ये दोनों लाइंस जो हैं, हमने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा ये परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर भी हैं, तो हमने स्लोप की जो प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि दो जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनका, उनकी स्लोप का अगर प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है, तो वो इक्वल टू माइनस वन होता है। तो ऐसा हमें क्यों किया, क्योंकि ए बी लाइन की स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ए पॉइंट भी हमें पता है, बी पॉइंट भी पता है, तो ए बी लाइन जो है उसकी हमने स्लोप फाइंड कर ली, जिसको हमने एम टू का नाम कर दिया, ये यहाँ पर हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की, सही, स्लोप फार्मूला से वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, सही। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इस लाइन, इस स्लोप को मल्टीप्लाई किया किससे, एम वन से, एम वन एक वेरिएबल है, मतलब एम वन हम उस ए बी सी डी लाइन जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप का नाम हमने एम टू एम वन रख दिया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया उसकी दूसरी ए बी लाइन की स्लोप के साथ, माइनस वन रख दिया, यहाँ से फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड जो लाइन थी उसकी स्लोप आ गई। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, एक स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो अब हमने फिर उस फार्मूला में जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो उसमें हमने एक्स वन वाई वन जो है वो पॉइंट पुट किया और एम जो है वो स्लोप पुट की, तो हमारे पास उसको सॉल्व करने से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, सही।